दो सितंबर से शुरू होने वाले बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी की ऊना मंडल की बैठक दीपकमल परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती मुख्य अतिथि के तौर पर बैठक में पहुंचे। इस मौके पर विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा, सदस्यता अभियान की शुरूआत 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए की जाएगी। इसी अभियान के तहत पार्टी की विभिन्न इकाइयों की बैठकों को भी शेड्यूल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 2 सितंबर को पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान को गति देने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। उसके साथ साथ पूरे देश के अंदर अगले कल से भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। उस सदस्यता अभियान का शुभारंभ अगले कल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मेंबर वन के किया जाएगा। उसी कड़ी में हर मंडल को दिशा निर्देश दिए हैं और उसी कड़ी में आज ऊना विधानसभा क्षेत्र का हम लोगों ने ऊना शहर की मीटिंग बुलाई है। शाम को हमारी बसेड़ा नगर परिषद की मीटिंग है। लगभग 25,000 मेंबर ऊना विधानसभा क्षेत्र के हम लोग बनाएंगे। इसमें पूरी योजना बनाई गई है कि किस तरह से ऊना के जो हमारे 15 बूथ हैं, हर बूथ के ऊपर कम से कम 200 व्यक्ति मेंबर बनने हैं, तो उसकी कॉपियाँ कार्यकर्ताओं को आज आवंटित की गई हैं और कार्यकर्ता 2 तारीख के बाद इस मेंबरशिप कंपेन को आगे बढ़ाएंगे और मेंबरशिप ऊना शहर के अंदर, ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर सब जगह शुरुआत उसकी की जाएगी। वहीं बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला, प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से तंग आ गई है, जबकि मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री सत्ता के नशे में चूर। उन्होंने कहा, लोगों के घरों में घुसकर चोरियां हो रही है, कारोबारी उद्योगपति और किसानों को बीच सड़क लूटा जा रहा है, लेकिन सरकार दिशा निर्देश पर जिले की पुलिस सिर्फ खनन माफियाओं को संरक्षण देने में लगी। जिस समय कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय उन्होंने 10 गारंटियां लोगों को दी थी। अब हालत यह है कि वो गारंटियां पूरी करना तो बड़े दूर की बात है। अब उसमें तनख्वाहें कर्मचारियों को कैसे मिलेंगी, अब उसकी दुविधा स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और हिमाचल प्रदेश के अंदर, ऊना जिला के अंदर तो हालत नशा कारोबारियों की और सट्टा बाड़ों के इतना भयंकर हो गई है कि जहां पर प्रतिदिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, प्रतिदिन लोगों के घरों के अंदर चोरियां हो रही हैं, उन नशेड़ियों के कारण प्रतिदिन लोगों से पैसा लूटा जा रहा है, राह चलते व्यापारियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और आम नागरिकों को लूटा जा रहा है और हिमाचल में इस असामाजिक गतिविधियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, चोरियाँ घर घर में हो रही हैं। तो यहाँ तक इनकी आर्थिक स्थिति की बात है तो कांग्रेस पार्टी को, इतनी पुरानी पार्टी, इनको पहले ध्यान में होना चाहिए था कि आर्थिक स्थिति कैसी है।